भारत में अनेकों मंदिर हैं जो अपनी खूबसूरती और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों में श्रद्धालु बहुत श्रद्धा के साथ भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। पर क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसा मंदिर भी है जहां लोग जाने से डरते हैं। इस मंदिर का नाम किराडू है। इसको लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसके चलते सूरज डूबने के बाद मंदिर के आसपास कोई नहीं दिखता। आज हम इस वीडियो में किराडू मंदिर के रहस्यों के बारे में बताएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताएं कि यह मंदिर वाकई में रहस्यमय है या फिर यह सब अंधविश्वास है। दोस्तों, इस मंदिर का डर लोगों के भीतर इस कदर व्याप्त है कि शाम के समय इसके आसपास कोई नहीं भटकता। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि कई साल पहले इस जगह पर एक साधु अपने शिष्य के साथ आए थे। किराडू गाँव के लोग उस समय बहुत ही स्वार्थी थे। साधु कुछ दिन के लिए भ्रमण पर गए और अपने शिष्यों को वही गाँव में रुकने को कहा। उसी दौरान उनके शिष्य की तबीयत बिगड़ गई। इसे देखते हुए बाकी शिष्यों ने स्थानीय लोगों से मदद मांगी, परंतु किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। पर एक वृद्ध महिला ने उनकी मदद की। जब साधु वापस अपने आश्रम में पहुंचे, तो उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। इससे वे क्रोधित हो उठे। वे सभी गाँव वालों को श्राप दे दिया कि सूर्यास्त के बाद सभी गाँव के लोग पत्थर बन जाएंगे। हालांकि साधु ने श्राप देने से पहले वृद्ध महिला से सूर्यास्त होने से पहले गाँव को छोड़ के चले जाने को कहा और मुड़कर नहीं देखने को कहा। हालांकि उस महिला ने साधु की इस बात को गंभीर नहीं समझा और वे भी गांव वालों के साथ साथ पत्थर बन गई, क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देख लिया। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते सूर्यास्त होने के बाद दूर दूर तक मंदिर के आसपास कोई नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये थी किराडू मंदिर का रहस्य। कॉमेंट में जरूर बताएं इसमें कितनी सच्चाई है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।